नमस्कार दोस्तों, आज के न्यूज़पेपर में दो प्रकार की अपडेट निकल कर आ रही है। एक तो नई रीट से संबंधित और एक आगामी जो भर्तियां हैं उनसे संबंधित। तो देखिए, प्रदेश में अब नई सरकार ही कराएगी रीट, आचार संहिता निकट, अब तक निर्णय नहीं। देखिए, राजस्थान में पिछले जो विधानसभा चुनाव थे तब 6 अक्टूबर को आचार संहिता लग गई थी, इसमें दे रखी है न्यूज़पेपर में, यह यहाँ पर नीचे। और इस बार यूं मान के चलिए 12 या 13 अक्टूबर के आसपास राजस्थान में आचार संहिता लग जाएगी। तो अब सरकार के पास 5 या 6 दिन के टाइम मिले, मतलब 5 या 6 दिन का टाइम है वो बचा है। इधर रीट पात्रता परीक्षा का वेट कर रहे हैं बच्चे, संस्कृत शिक्षा विभाग की भर्ती का वेट कर रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड की भर्ती का वेट कर रहे हैं, सेकेंड ग्रेड की भर्ती का वेट कर रहे हैं। लेकिन सरकार है इनके ऊपर ना तो कोई चर्चा कर रही है, ना ही कोई इनका बयान निकल कर आ रहा है। अब देखते हैं, सरकार ने 1 लाख पदों की जो भर्तियों का वादा किया था उसमें देखते हैं कि फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड की विज्ञप्ति जारी कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, वो अपन देखते हैं। बाकी इसमें दे रखा है कि एनसीईटी हर साल पात्रता परीक्षा करवाने का एनसीईटी का नियम है, लेकिन सरकार नहीं करवा रही है। प्रदेश में 7 लाख से अधिक अभ्यर्थियों को परीक्षा का इंतजार है। लास्ट में 2018 में पात्रता हुई, उसके पश्चात 2021 जो कि रद्द हो गई, फिर 2022 और अब इंतजार युवा है वो कर रहे हैं नई पात्रता परीक्षा का। लेकिन लग नहीं रहा कि अब नई पात्रता परीक्षा सरकार करवा पाएगी, अब अगले सरकार ही नई पात्रता परीक्षा करवाएगी। इसके अलावा देखिए, आचार संहिता लगते ही अगले साल तक अटक जाएगी 45,000 भर्तियां। ये भर्तियां अटकने का कारण है एक तो आरपीएससी की लापरवाही, यानी पेपर आउट हो गया, वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा का पेपर आउट, फिर इन्होंने परीक्षा करवाई, इसके चलते वरिष्ठ अध्यापक भर्ती के साथ अन्य भर्तियां भी धीमी हो गई, फर्स्ट ग्रेड भी धीमी हो गई, आरपीएससी की आरएस की जो परीक्षा है वो धीमी हो गई, कॉलेज लेक्चरर है उसका तो आपको पता ही, अब एग्जाम होगा ही नहीं, अगले साल ही होना है, तो हर मतलब प्रक्रिया आरपीएससी की धीमी हो गई वरिष्ठ अध्यापक का पेपर लीक होने के कारण। अब देखिए आगे, कॉलेज व्याख्याता का मतलब अगले साल ही होना है एग्जाम, अब देखते हैं फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की विज्ञप्ति ये 6 दिन में जारी कर पाते हैं या नहीं कर पाते, बाकी बहुत मुश्किल लग रहा है कि विज्ञप्ति जारी हो पाएगी। दूसरी आप देखिए कि आरपीएससी की अब तक सेकंड ग्रेड की ज्वाइनिंग हो जानी थी, फर्स्ट ग्रेड की भी मतलब ज्वाइनिंग मान के चले अब हो जानी थी, लेकिन परिणाम वगैरह सब सिस्टम इनका धीमा हो गया। इधर कर्मचारी चयन बोर्ड के जो अध्यक्ष थे हरि प्रसाद शर्मा, वो बीच में छोड़कर अपने चुनावी माहौल में लग गए, तो देखिए इस कारण है ना, मतलब सारी की सारी परीक्षाएं वो अगले साल चली गई। तत्कालिक अध्यक्ष हरि प्रसाद शर्मा जी ने बीच में छोड़ा पद, नए अध्यक्ष की नियुक्ति में देरी, सितंबर अक्टूबर तक की परीक्षाएं अगले साल तक खिसक गई। ये नीचे दे रखा है, देखिए ये भर्तियां हैं आगे आगे, मतलब इन इन डेट कौन, ये 3 फरवरी, 3 फरवरी, 11 फरवरी, 11 फरवरी, 3 मार्च, 21 जनवरी, ठीक है। आरएस मुख्य परीक्षा अगले साल ही होनी है, और लाइब्रेरियन पीटीए सहायक आचार्य इनका टाइम पीरियड वो तय नहीं है। तो ये आज की अपडेट है वो निकल कर आ रही है।